गाइस आसमान को देखो भाई साहब, आज ईस्ट बंगाल वर्सेस इंडियन एयरफोर्स का मैच है। सो यहाँ पे ईस्ट बंगाल फर्स्ट गोल कंसीड कर चुके हैं। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग पे गाइस। एंड लगातार ब्लॉग आ रहे हैं तो भाई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एज वेल यार। एंड अभी भाई स्टेडियम के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। अभी तक स्टेडियम के अंदर जा नहीं पाया एंड क्यू द रीजन इज बहुत जोरदार अभी बारिश आई है यहाँ पे। एंड आज मोहन बगान डे भी है भाई, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मोहन बगान डे। एंड वहाँ पे आने का प्लान था बट जा नहीं पाए भाई, क्योंकि आज ईस्ट बंगाल का भी मैच था तो मैच मिस नहीं कर सकते। तो दैट्स द रीज़न हम लोग जा नहीं पाए, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे भाई, नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे हम लोग अगर मैच नहीं रहता तो। सो अभी तक तो भाई बारिश कम नहीं हुआ है बट हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 6:30 से पहले एटलीस्ट स्टेडियम में पहुंचना ही पड़ेगा। एंड बारिश चल रहा है, अभी भी चल रहा है, थोड़ा सा कम हुआ है इसलिए भाई निकल चुके हैं हम लोग। एंड अभी आते हैं स्टेडियम की तरफ, तो चलो स्टेडियम पे जाके बातें करेंगे। अभी बारिश में क्या बात करेंगे भाई, तो चलो स्टेडियम में चलते हैं, लेट्स गो। আজ ইস্ট বেঙ্গল এর ফার্স্ট ম্যাচ কি লাগছে, কি হবে? অবশ্য জিতবো। আর কি মনে হয় কত স্কোর লাইন হতে পারে? প্রেডিকশন 3-4 গোল তো মিনিমাম। অবশ্যই আমরা জিতবো আমি কনফিডেন্ট। তো আজ খেলার প্রেডিকশন কি লাগে? ফার্স্ট ম্যাচ 4-0, এত কনফিডেন্ট আজকে? আজকে ফুল কভার টিম নাচছে তার জন্য জিতবে অবশ্যই 3-0। তোমার কি মনে হচ্ছে? জি আর স্কোর লাইন কত? 2-0 তো হবে, আজকে তালালের একটা গোল দেখি। গাইস আসমান কো দেখো ভাই সাহাব, लेट्स होप कि जोरदार बारिश ना हो भाई। ओ भाई अभी स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं। सो गाइस स्टेडियम पे आ चुके हम लोग एंड भाई बारिश बंद हो चुका है बट अभी भी बहुत ही क्लाउडी वेदर है, देख के तो भाई लग रहा है कि बारिश हो सकता है मे बी, बट ना हो तो ही अच्छा। एंड गाइस टीम शीट्स आर आउट, तो टीम शीट्स चेकआउट कर लो। मैच नहीं की प्रेडिक्शन देवे 3-0 सेम 3-0। আর কে কে গোল করতে পারে? ডেভিড আর তালাল, ডেভিড গোল করবে, ডায়মন্ড টাকোজো গোল করবে, মাদি তালাল গোল করবে, মাদি তালাল ডেভিড মেডাল। সো গাইস প্রেডিকশনস কে বারে মে বাত কর লেতে, আজ ইস্ট বেঙ্গল ভার্সেস ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স কা ম্যাচ হ্যায়, এন্ড আই থিংক ইট উইল বি আ 3-0 গেম ফর ইস্ট বেঙ্গল। এন্ড বাই আজ আই থিংক দামেন্দ্র কৌশল এন্ড মাদি তালাল উইল ওপেন দেয়ার স্কোরিং উইথ আই থিংক জিকসন। তো দেখতে কি হতে হয় ভাই, বাট ইস্ট বেঙ্গল আজ 3-0 সে জিতনে ওয়ালে। तो फर्स्ट हाफ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है भाई, ईस्ट बंगाल वर्सेस इंडियन एयरफोर्स। सो देखते हैं क्या होता है भाई। पहला फ्री किक था यहाँ पे मैच का, बहुत ही बढ़िया चांस क्रिएट हुआ था, लगा था गोल हो गया भाई पर नहीं हुआ। बंगाल बढ़िया खेलते हुए भाई एंड गोल के पास आते हुए, बट अभी तक गोल नहीं हुआ यहाँ पे ईस्ट बंगाल का। वी आर वेटिंग फॉर द फर्स्ट गोल भाई। ईस्ट बंगाल फर्स्ट गोल कंसीड कर चुके हैं, इट्स 1-0 फॉर इंडियन एयरफोर्स। बट भाई अभी बहुत टाइम बाकी है, हम सभी को पता है ऐसे इंग्लैंड कैसे खेली थी भाई यूरोस पे, तो भाई इंग्लैंड गोल खाने के बाद ही रियल गेम दिखाती थी। एंड भाई वैसे देखा जाए तो भाई बहुत सारे चांसेस ईस्ट बंगाल ने बनाए हैं भाई, पहले 20 मिनट्स में ईस्ट बंगाल ने बहुत सारे चांसेस बनाए हैं बट भाई कन्वर्ट नहीं कर पाए गोल की तरफ। Thank you.
के पास फिर से लगातार दो चांस आए थे, बट भाई समहाउ यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स बचाते हुए, इंडियन एयरफोर्स समहाउ ईस्ट बंगाल के सारे चांसेस यहाँ पे बचा रही है। फर्स्ट गेम है, प्रॉब्लम्स होंगे ऑब्वियसली, एक प्रैक्टिस करना, फ्रेंडली मैच खेलना और एक टूर्नामेंट में खेलना दोनों अलग होता है। सो धीरे धीरे भाई टीम सुधर जाएगी, मेरे को जो लग रहा है थोड़ा टाइम दो प्लेयर्स को, आई थिंक टीम सुधर जाएगी भाई। भाई साहब कितने चांसेस और मिस करेंगे यहाँ पे ईस्ट बंगाल भाई। वेरी गुड एंड देख के लग रहा है टीम में पोटेंशियल बहुत है, अच्छा पोटेंशियल है टीम में, सेटल डाउन करना पड़ेगा एंड टाइम तो लगेगा उसमें भाई, एक मैच में खेल के भाई थोड़ा सा सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा, फ्रेंडली अलग होता है एंड एक रियल मैच अलग होता है, तो थोड़ा सा सेटल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट द टीम इज लुकिंग गुड एंड भाई पोटेंशियल दिखा रहे हैं। देखते हैं सेकंड हाफ में क्या होता है भाई, क्या सेकंड हाफ में यहाँ पे ईस्ट बंगाल भाई विनिंग गोल रख पाएंगे कि नहीं, लेट्स सी क्या होता है सेकंड हाफ, देखते हैं भाई क्या होगा। ডেডলক পড়ে গেছিল সত্যি কথা, কিন্তু ডেডলক ভেঙে গেছে, আশা করি সেকেন্ড হাফে এবার আরও ভালো ফুটবল খেলবে জয়েস বেঙ্গল। খেলাটা পুরোটাই টিম গেমের ওপরে হয়েছে আর আমাদের আগের বছর যে কম্বিনেশনগুলো হচ্ছিল না সেগুলো এখন আরও ভালো করে হচ্ছে, এই জন্যই গোলটা আমরা আরও ভালো করে পেয়েছি। আগের বার যেগুলো আমাদের মাঝ মাঠেই গেমটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, বাট এবার আর হচ্ছে না, থ্যাংকস টু ইমামি এরকম একটা দল করার জন্য, আর এফসি তো আছে আর আরও অনেক লিগ আছে, সবাই আমরা ভালো করে। বলো ফার্স্ট হাফ কেমন লাগছে? দারুণ দারুণ। আর সেকেন্ড হাফে কি মনে হচ্ছে কি হতে পারে? তিন গোল হবে সেকেন্ড হাফে, গোল তো হবে, দু তিন গোল ইসমল মারবে সেইটা কথা না, কম্বিনেশন প্লে খুব ভালো, ইসমলের খেলা চোখ জুড়াচ্ছে এবছরে যেটা এত বছর হয়নি, হুম হুম খুব ভালো সেইটা, সব ভালো, গোল পেতে হবে, ডেভিড গোল পেতে হবে, ডেভিড অ্যাটলিস্ট চারটে গোল এখনো পর্যন্ত করে ফেলা উচিত ছিল, আই হোপ ও আরও কোনটা ভালো ভালো গোল করেছে, আই হোপ ও আরও বেটার জায়গায় যায়, এখনো পর্যন্ত মারি দালাল অনবদ্য। Guys, Dimi aati hai guys. Second half mein Dimi khelne wale hai bhai. Let's go. Dimi Damant Kaus. Let's go, bhai. Dimi Damant Kaus. Guys, he's here, guys. Dimi. So, isi ke saath second half start ho raha hai. Damant Kaus aa chuka field pe. भाई सोचा था कि यहाँ पे डायमंड कॉस का गोल देखने वाला हम लोग, बट नहीं अभी तक नहीं भाई, अभी तक नहीं, पर धीमे धीमे का शोर भाई सुनाई दे रहा है यहाँ पे भाई साहब। Let's go,
ভাই যা বাজি কোস স্কোর দা গোল ভাই লেটস গো কাম অন বলেছিলাম টিমি না পেলে সব কোটা চান্স এগুলো কনভার্ট হচ্ছিল না হবে সেটাই হয়েছে টিমি ইজ আর ডায়মন্ড টিমি চার নম্বর গোল হবে সেক্সি ভাই সেক্সি রান ভাই সেক্সি রান ফর বিষ্ণু বাট ভাই ফিনিশ নেই হওয়া ভাই হোয়াট আর রান ফর বিষ্ণু ভাই डायमंडा कॉस भाई डायमंडा कॉस यार क्या मिस होता भाई क्रॉस बार के ऊपर तो चला गया यार बट अ गुड ट्राई भाई अनदर गुड ट्राई डायमंडा कॉस भाई हैट्रिक मार देते भाई डायमंडा कॉस भाई बट आज मालिक तलाल जो खेला है भाई मैन ऑफ द मैच डिजर्व्ड है भाई एंड लिसन आई जस्ट लिसन भाई एवरीवन इज चैंटिंग मालिक तलाल भाई एंड प्लेयर भी वैसा ही है भाई लास्ट सीजन बहुत अच्छा खेला था एंड इस सीजन ईस्ट बंगाल के लिए भी बहुत अच्छा खेल रहा है भाई मादी तलाल Diamante Cos missed another one. So guys, that's it for the match and final whistle yahan pe bajta hua and it's 3-1 for East Bengal. Bhai, East Bengal yahan pe match jeete hue and 3 points leke jaate hue bhai sahab. Aur kya chahiye? And aaj East Bengal ka match ke baad mein baat kare to bahut hi badhiya kheli hai bhai, bahut hi badhiya East Bengal kheli hai. And bhai, ये टीम अगर सेटल हो गई ना तो भाई ये सीजन कुछ कमाल करके दिखाएगी ये टीम देख लेना भाई मैं बोल रहा हूँ भाई ये टीम कमाल करके दिखाएगी भाई देख लेना बंगाल के अनेक बछर पर ये शेपे लगे खूब दरकार কিন্তু খেলা হবে পরিষ্কার কথা সিজনের ফার্স্ট ম্যাচ হিসাবে টিমটা খুবই ভালো খেলেছে হোপফুলি আরো যত নিজেদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাড়বে তত আরো বেটার খেলবে কম্বিনেশন আরো তৈরি হবে কারণ টিমটা অনেক দূর যাবে দেখ এই টিমটা অসাধারণ খেলা মানে বহুদিন পর ইস্ট বেঙ্গল জনতা এরম একটা খেলা এরম একটা প্রদর্শন মাঠে দেখতে পেলো আগেকার সিজনে মানে ডিফেন্সিভ খেলা মিড ব্লক লো ব্লক এই দেখতে দেখতে আমরা হারিয়ে উঠেছিলাম কিন্তু এই যে একটা আক্রমণাত্মক খেলা এই যে আজকাল এরকম সুন্দর প্রদর্শন এটা মানে ঝড়া শুরু এরপর আরও এটা ঝড়ালো আর আরও ভালো बहुत ही अच्छा मैच देख के अभी हम लोग जाने वाले हैं घर लगातार 3 दिन व्लॉग्स आए भाई तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है कंसिस्टेंसी के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है यार एंड एक लाइक तो जरूर बनता है भाई तो लाइक टारगेट हम लोग इस बार रखते हैं 25 लाइक्स का 5 लाइक्स भाई कुछ ज्यादा मैंने बढ़ाया नहीं है बस 5 लाइक ज्यादा बढ़ाया है एंड भाई अगर वीडियो अच्छा लगा है ब्लॉग अच्छा लगा है तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके एंड आईएसएल से पहले 1500 सब्सक्राइबर्स हम लोग का टारगेट है सो कंप्लीट कर देना सो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे तब तक के लिए गुड द बॉयज एडियोस बाय